अच्छी बात है, एक लास्ट देख लीजिए, तब आपको एक प्रॉब्लम बताते हैं, हम लोग बाहर आ गए SHM से। ये टेबल ठीक है, इधर एक स्प्रिंग K1, इधर से दूसरी स्प्रिंग K2, बीच में एक मास हमने बांध दिया। अब किसी एक तरफ खींच के ला के छोड़े तो SHM करेगा नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि जब खींच के इधर लाएंगे तो हाई वाली स्प्रिंग का एक दूर रहे, इसका फो इसका शार्टनिंग हुआ ना, तो ये हटाएगी ना, हट 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 हट, और उसका एक्सटेंशन हुआ तो बोलेगी आ आ तू तू, मींस जैसे ही ये यहाँ आएगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो ये रिपेयर करेगा हट, और वो एक्सटेंशन हुआ है तो खींच के वापस लाएगा, भाई वापस आओ। मतलब क्या, अगर नेक्स्ट केस में हम डायग्राम ऐसे बना लेते कि मसुइया यहाँ है और ये हमारे पास इधर K1 है और ये इधर, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये K2 है, तो ये ढकेल रहे हैं ना, साइमन गो बैक, और ये क्या कह रहे हैं, साइमन कम बैक, दोनों ऐड हो गया ना। मतलब क्या, यही ना मीन है, ये स्प्रिंग कह रही है जाओ -K1Y और ये कह रही है आओ -K2Y, क्यों माइनस लगा हुआ है? हाँ नहीं, माइनस किसे लगा हुआ है, ये देखिए, ये जब इधर की मतलब दोनों मीन की तरफ है, ये मतलब मीन की तरफ माइनस लिखते थे, देखिए ये स्प्रिंग कह रही है लौट जाओ, कॉम्प्रेशन के अगेंस्ट हटो तो -K1Y और एक्सटेंशन के अगेंस्ट है लौट आओ, इसीलिए माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल टू K, क्या मिल गया आपको -K1+K2×Y=F मिल गया, के इफेक्टिव कितना K1+K2, इसका मतलब है आपको मिल गया कि इस स्प्रिंग, ये जो सिस्टम है जिसमें बीच में हमने मास को बांध रखा है, उसका इफेक्टिव एक तरफ K1 एक तरफ K2, तो इसका फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा K1+K2, क्लियर है? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√M/K, K की जगह होगा K1+K2, तो ये हो गया। अब आइए स्प्रिंग कट इन अनइक्वल पार्ट, तो क्या करते हैं, जैसा कि नीट का क्वेश्चन था और IIT में जाते हैं, क्या करते हैं, एक टेबल हटा लेते हैं नीचे से सपोर्ट, और अब कहते हैं नीचे खींच के छोड़ दें तो नाउ स्टार्ट्स टू ऑसिलेट। अब बताइए, अब कठिन हो गया ना, वो जब नीचे खींचेंगे तो एक्सटेंशन इस पर आ जाएगा, अब एक्सटेंशन के कंपोनेंट आ जाएंगे, यानी अब मैकेनिक्स लगेगी, सिंपल हम ये जो स्प्रिंग का रूल चला रहे थे वो सब हट गया, कोई मतलब नहीं सीरीज का। अब इसका टेंशन एक्सटेंशन कितना अलग, उसका एक्सटेंशन कितना अलग, एक्सटेंशन का टेंशन इसका कितना, टेंशन उसका कितना, का कंपोनेंट तो पूरा अब स्टेप में चलेगा ना, ये रटने वाला हिसाब किताब नहीं कि रट के गए और वहां उबल के चले आए, अब बकायदा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया, ये चीज होता है और कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको पहले नीट वाला देख लीजिए, तब IIT का दिखाता हूं कि लास्ट क्या पूछ दिया था। फिलहाल वन प्रॉब्लम खूब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये देखिए ये ठीक है, इसका फोर्स कांस्टेंट है के, टाइम पीरियड है टी, कह रहा है कि इसको 1:3 पार्ट में कट मारिए, 1:3 पार्ट में काटिए। आप ऐसे सोचिए ना, 3 और 1 4, 4 बराबर पार्ट में काट दीजिए, एक के पास एक के पास 3, आपको ध्यान से देखिएगा, 4 बराबर पार्ट में काटेंगे तो 1 2 3 4 हो गया ये, तो जरा बताइए पर पार्ट का कितना, सोच के बोलिएगा,
भाई हमसे 1:3 बोले, तो हमने कहा दोनों को छोड़ के सोच लीजिए कितना, 3 × 4 चार बराबर पार्ट में काटिए, बराबर पार्ट में काटने का तो के बताए थे ना कि कितना, एन के, तो एन की जगह 4 हो गया, यानी कि ये कितना 4k, ये कितना 4k, ये कितना 4k, ये कितना 4k, एक एक जगह रहेगा 1, तो 4k का 4k रह गया, और एक 3 इन सीरीज है ना, सीरीज में अपान चला जाएगा, अपान सीरीज 4k 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 सीरीज है, तो 1/4k + 1/4k + 1/4k 3 बार, तो 3/4k इसका 2/5 के इफेक्टिव पलटेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4k/3। तो क्या इसका टाइटल नहीं पता चल गया, 2π √m/4k, 1/√4 बाहर करेंगे तो 2 t हो जाएगा न्यू, एक स्प्रिंग का आया ये इसका, अगर ये अकेले काट के बाहर करता है तो टाइम पीरियड T/2 शो करेगा, पूरे स्प्रिंग का डेंसिटी, और अगर ये वाला टुकड़ा 3 जो एक जगह है इसको लेके आए तो इसका टी न्यू डैश 2π √m/k हो जाएगा 4k/3, ऐसे हो जाएगा √3/2 बाहर आएगा, बाकी पुराना टाइम पीरियड। रेशियो पूछा था 1:3 हो गया रेशियो, अरे टाइम पीरियड का रेशियो पूछा था, तो हमने एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड होल स्प्रिंग के टाइम पीरियड के टर्म में लिखा, हमने 3 स्प्रिंग का टाइम पीरियड होल स्प्रिंग के टर्म में लिखा, और अब कह रहे हैं कि हमने अलग अलग निकाल लिया तो रेशियो तो निकाल ही लेंगे। दोबारा देख लीजिए, मैं कहता एक स्प्रिंग, अब मैं कहता इसको 1:2:3 में तोड़िए, तो जरा मुझे बता दीजिए तो के कितना, तो मतलब हमको तो ऐसे मिला होगा ना 3 टुकड़ा, पहले वाले का कितना, दूसरे वाले का 6k सीरीज में 3k 6k/2, अरे 1/6k + 1/6k 2/6k, तो 1/3k, तो 3k, तो हम कहाँ कह रहे हैं अलग है 3k, और इसका 6k हो गया काम। टाइम पीरियड जब निकालने जाएंगे तो 2π √m/6k 2π √m/3k 2π √m/2k मल्टीप्लायर बाहर खींचेंगे पुराने टाइम के टाइम में चला जाएंगे, तो आसान है कि नहीं है, बातें इतनी मेहनत कराया जाए तब तो ठीक है, और क्या एक हफ्ते बाद पूछा जाए तो याद रहेगा क्यों, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। आ जाइए, ये तो ठीक है नीट का था, IIT का देखिए क्या था, मैं आंसर लिख दे रहा है, आप ढूंढ के लगा के लाइएगा, नहीं तो पूछेगा बताएगा, वैसे समझ में आएगा नहीं ज्यादा, क्योंकि अभी उतना दिमाग नहीं जा पाएगा, उतना दूर नहीं सोच पाएंगे आप, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ना लगे। एक स्प्रिंग इस पे आइडेंटिकल स्प्रिंग है, यहां मास है m, ठीक है, ये दिए हैं 90 डिग्री है, तो अगर वो 90 है तो बाकी का 360 - 90 270 हो जाएगा, ठीक है। ये भी k है, मतलब आइडेंटिकल स्प्रिंग है, k, ये किए क्या, इसको यहां लेते आए, क्लियर है, नेक्स्ट केस में कैसा दिखेगा डायग्राम, यहां का मतलब ये साइड में नहीं, हाँ मतलब ये बनाना चाह रहे थे, ये इसको यहां ले आए, ये कैसा दिखेगा, हाई देखिए ये कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है, हाई देखिए क्या हो गया, और हाई देखिए, ठीक है। अब अगर ये L कहते, L नॉट, इसको L नॉट कहते, और इसको L नॉट कहते, जो पुरानी लेंथ थी, ठीक, और अभी तो चेंज हो गई ना, इसकी अगर L हो गई तो भाई ये भी तो L हो गई, क्लियर है, अगर L में से L नॉट हटा लेते तो पता चल जाता एक्सटेंशन कितना, क्या
एक्सटेंशन एल माइनस एल नॉट, तो टेंशन पता चल जाता है के डेल एक्स। अरे फोर्स होता था ना के एक्स, तो अगर मान लिया हमने, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि ये एल नॉट था, और जब इसको इसे लाए खींच के, तो अभी इसकी इसको छोड़ दीजिए, अगर हम इसको हम कह देते ये वाई खींच के ले आइए, वाई खींच के लेते आए नीचे, ठीक है, तो ये मान लेते एल नॉट है और ये मान लेते एल है, तो एल माइनस एल नॉट पता चल जाता कितना बड़ा है, और अकॉर्डिंगली आपको टेंशन टी पता चल जाता, ठीक है। और वही चीज तो इधर भी आता, ये स्प्रिंग में तो कहती वापस आओ, इस एल में से ये एल नॉट हटा है तो पता चल जाएगा कितना एक्सटेंशन है ये टी, और ये जब नीचे आइए तो भी तो ढकेल रही है टी डैश, क्यों वापस जाओ क्यों, तो इसका मतलब है कि ये एक टी आया, ये एक टी आया और एक टी ये आया, क्यों इस टी को लिखेंगे कितना के डेल एल, इसको लिखेंगे कितना के डेल एल, इसको लिखेंगे तो कितना, ये तो वाई से नीचे आया तो के वाई भाई, वाई सर ये के वाई, ये दोनों 90 पर है, ये सब अलग अलग है, इसको टी वन टी टू टी थ्री कर लीजिए, क्या टी वन टी टू टी थ्री, ये टी वन ये टी टू और ये टी थ्री कर लीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, टी वन टी टू तो बराबर है, सिमेट्री से दिख रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसी पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा के डेल एल रूट टू, क्लियर है, कहां से लिख लिए अंडर रूट टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, लिख लिए ना, मतलब इन दोनों का ये 90 दिया था ना, ये तो 90 दिया है ना, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी पर आ गया, और इसका खुद का अपना तो इसी पर है, ये इतना क्लियर है, ये जब रूट एल आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कि रूट एल है कितना, तो जरा देखिए हम आपको मैकेनिक्स में ले चले, ये वाई है ये, और चलिए माना ये एक्स है, क्यों ये आखिर इस पर एक्सटेंशन है ना, और चलिए ये माना एक्स है और ये 45 और ये एक्स, ठीक है, ये इधर 45, जरा सोच के देखिए क्या एक्स होने जाएगा y का cos 45, अरे y का कॉम्पोनेंट इधर और y का कॉम्पोनेंट उधर, वही ना एक्स बनेगा, यानी कि इधर वाले का अगर बीच वाला ये y है तो इसका इधर कितना आएगा, इधर आएगा y का cos 45, इधर कितना आएगा y का cos 45, इधर कितना आएगा, ये तो पूरा y है ना, यानी जो डेल l बोल रहे थे इधर का क्लियर है वो कितना है, जो इधर का डेल एल बोल रहे थे क्लियर है कितना है, और इधर का तो वाई वाई है, इसमें के मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया वाई बाई रूट टू, ये हो गया इधर वाई बाई रूट टू, के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो टी वन हो जाएगा, कितना के वाई बाई रूट टू, दिखा, अरे के डेल एक्स, इसका टेंशन के डेल एक्स कितना हो जाएगा के वाई बाई रूट टू, ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जब इस पर, अच्छा इस पर कितना हो जाएगा टेंशन, इस पर टेंशन हो जाएगा के वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो के वाई आ जाएगा, तो देख लीजिए वहां वही लिख रहे थे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसका खुद का तो के वाई हो गया, और इन दोनों का जोड़ने के बाद आएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका के वाई, नेट फोर्स कॉन्स्टेंट कितना आया 2ky, के इफेक्टिव कितना आ गया 2k, देख रहे हैं तीन स्प्रिंग है, 2 at 90, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे इसको, या कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको प्रॉब्लम, तो जब आईआईटी की बात आती है तो इधर उधर खींच देते हैं, सब गड़बड़ा जाता है, ए लॉन्ग लेंथ का रूल आपको हमने बताया, हर बार स्प्रिंग कब खींचे थे उसी लेंथ पर था, और इसमें क्या है, इसका तो सही है भाई, दोनों गड़बड़ हो जा रहा है, ये दोनों जब इधर ला रहा है तो भाई इस पर चला रहा है, इस पर चला रहा है, तो इसके कंपोनेंट इस पर एक्सटेंशन है, टेंशन है का कंपोनेंट इस पर एक्सटेंशन है, पर कंपोनेंट इस पर लेके आ रहा है, और अब एज अ सिंगल स्प्रिंग हीट हो रहा है, यानी ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक ऐसे स्प्रिंग इक्विवेलेंट है जिसमें दो स्प्रिंग पैरेलल में हो, सोच देख लीजिए, यानी थ्री स्प्रिंग लाइक सच इज इक्विवेलेंट टू टू स्प्रिंग इन पैरेलल, क्योंकि टू स्प्रिंग इन पैरेलल का रूल होता है, होता है K1 प्लस K2,
तो इस तरीके से, तो नीट में तो इस तरह से पूछा था, आईआईटी में वो पूछा था कि तीन स्प्रिंग है, दो एटा 90 पर है और एक उनके बीच का बाइसेक्टर है, और जब एक स्प्रिंग के एलॉन्ग खींच के छोड़ा जाता है तो टाइम पीरियड बताइए। आंसर था 2π√m/2k, 2π√m/2k, जबकि के तीन स्प्रिंग है, तो तीन स्प्रिंग है तो के तीन बार आया, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है तो वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट में गया। फिलहाल आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ विजुलाइज कराया कि ऑसिलेशन इतना आसान नहीं है। जब टिल्टेशन शुरू हो जाएगा, यानी इधर उधर पार्टिकल को खींचेंगे, वाइब्रेट कराएंगे, तो उस केस में मैकेनिक्स भी लग जाएगी। हम अलॉन्ग द स्प्रिंग लेंथ चलते हैं तो सीरीज पैरेलल के रूल से हमारा काम हो जाता है, और अगर हम स्प्रिंग में से स्प्रिंग के लेंथ के अकॉर्डिंगली हमने उसको नहीं खींचा है, कहीं समवेयर एदर आ गया, तो उस केस में टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, उस केस में सीरीज पैरेलल नहीं लगेगा। उस केस में वेक्टर टेंशन निकालेंगे हर स्प्रिंग का अलग अलग, तो आपको टेंशन मिलेगा। जैसे इसका इफेक्टिव डायग्राम क्या होगा, ये कह रहा है लौट जाओ, और ये स्प्रिंग इधर खींच रही है अपनी स्प्रिंग, अपनी लेंथ को रिस्टोर बैक करने के लिए, क्लियर है, ये इधर खींच रही है। तीन टेंशन टी नेट निकालेंगे, वो टी नेट के डेल एक्स से इक्वेट होगा, तो आपको के इफेक्टिव की वैल्यू पता चलेगी, ये मतलब। और हमने रूल में ऐसा कुछ नहीं बताया, हमने रूल में अलोंग लेंथ था तो हमने आपको एफ इक्वल टू माइनस के एक्स जनरेट करना सिखाया, और यहाँ रिजल्टेंट टेंशन से आप के डेल एक्स में के की वैल्यू पा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहीं तक आपको जानना था। अगर आपको आगे के उससे फैमिलियर कराएं तो अब हम लोग को स्टार्ट करना है हीट एंड थर्मो। पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज जोड़ इकट्ठा कर लेंगे जो 9th-10th की है साइड में, ठीक है, उनका कैलकुलेशन वो आपको मिल भी जाएगा एक जगह प्रिंटेड। हम मेन हम लोग देखेंगे कि हाउ द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, कैसे ट्रांसफर करें और इस ट्रांसफर में वर्क कितना करें, क्योंकि जब हम इंजन डिजाइन करेंगे तो हमें हीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। फ्रॉम वन प्लेस हम हीट डेवलप करेंगे और उस हीट से पिस्टन का, हीट से गैस का कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन कंट्रोल करेंगे, उस कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन का इस्तेमाल हम पिस्टन के अप एंड